कैसे आपको क्या आया आपको पता नहीं चला तो आप पूछ सकते हो, रेज हैंड करके पूछ सकते हो। अगर आपको कैसे क्या N1 कैसे आया, X-bar 1 कैसे आया, N2 कैसे आया, X-bar C कैसे आया पता नहीं चला तो पूछ सकते हो, क्योंकि मैं नेक्स्ट सम दूंगा हूं अभी सम के करने के लिए, इसलिए पूछ रहा हूँ। किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकता है, रेज हैंड कर सकता है। यस हर्ष, सर ये N1 वाला सिखाऊं? देखो तुम क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 100 स्टूडेंट्स इज 44। हाँ बस बस, अब पहले वो पता चला वो क्या है, X-bar C है पता चला। हाँ यस कैसे, ये ऑल लिखा है ठीक है, हाँ ऑल ऑल 100 स्टूडेंट्स लिखा है, मतलब X-bar C आपको दिया हुआ है ठीक है। अब आगे फ्रॉम दैट, From that, the average mark of 60 students is 40. Find हाँ mean एक मिनट of एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हर्ष? 100, 100. 100 है, उसमें से 60 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कितना है 40, तो रिमेनिंग कितने हाँ, हुए हैं? 40. हाँ अब उसका मीन फाइंड करना है। हाँ, ओके क्लियर, ओके, हाँ, थैंक यू सर. वेलकम। चलो X-bar C इज इक्वल टू N1 X-bar 1 प्लस N2 X-bar 2 अपॉन N1 प्लस N2। नाउ 44, 60 इंटू 40 प्लस N2 40, X-bar 2 मिसिंग है तो इधर 60 प्लस 40। अब 44 इज इक्वल टू 2400 प्लस 40 X-bar 2 अपॉन 100। 100 को ऑपोजिट साइड ले जाओ तो इधर डिवीजन में ऑपोजिट साइड ले जाओगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 4400, 2400 प्लस 40 X-bar 2, अभी 2400 इस बल चला जाएगा इज इक्वल टू की, इधर कौन सी साइन है उसके पहले, 2400 के पहले कौन सी साइन है? पॉजिटिव, पॉजिटिव है, प्लस है ठीक है पहले, तो ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव 4400 माइनस 2400, 40 X-bar 2 इज इक्वल टू 2000, तो X-bar 2 इज इक्वल टू 2000 अपॉन 40, 50। चलो जिसको पता चलेगा लिख लो, बाकी सबको मैं वापस समझा रहा हूँ। देखो पहले क्या करना है, जो जो चीज दी है वो लिख लिया, फिर 60 इंटू 40 2400 आया और 60 प्लस 40 100 आया, अब 100 को ऑपोजिट साइड ले जाओ तो क्या होगा 4400, अब 2400 को ऑपोजिट साइड ले आओ तो माइनस हो जाएगा तो 2000, अब इधर मल्टीप्लिकेशन है ऑपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन। चलो आंसर मिल गया लिख लो, किसी को क्वेरी हो तो पूछ सकता है। किसी को कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकता है। रेज हैंड कर सकता है। कोई भी डाउट हो पूछ सकता है, क्योंकि एक सम अभी मैं देने वाला हूं।
चलो दे दो, कंप्लीट हो गया सबका, किसी का बाकी है? ओके चलो क्वेश्चन लिखो. अ टीम हैज टू स्कोर, अ टीम हैज टू स्कोर विथ अ रन रेट ऑफ, अ टीम हैज टू स्कोर विथ अ रन रेट ऑफ 8.25 इन 20 ओवर्स. 8.25 इन 20 ओवर्स टू विन द मैच, टू विन द मैच, फुल स्टॉप. द रन रेट एट द एंड ऑफ, द रन रेट एट द एंड ऑफ 12 ओवर्स, the run rate at the end of 12 overs is 7.25. the run rate at the end of 12 overs is 7.25, full stop. What should be the least run rate, what should be the least run rate to win the match in remaining overs, to win the match in remaining overs. अब रन, इधर रन रेट जो क्रिकेट का ध्यान जिसको नहीं है, जिसको भी पता नहीं है, इधर रन रेट मतलब एवरेज, रन रेट मतलब एवरेज निकाल दो, ठीक है, उसको एवरेज समझ लेना रन रेट का मतलब. चलो ट्राई करो, वरना करवा रहा हूं, जिसका भी आंसर आ जाए चैट बॉक्स में लिख लेना. थोड़ा क्वेश्चन शांति से पढ़ना. सर आप लास्ट टाइम रिपीट कर सकते हो? व्हाट शुड बी द लीस्ट रन रेट टू विन द मैच इन रिमेनिंग ओवर्स. ओके सर, थैंक यू सर. अभी आगे है ना, इन 20 ओवर्स लिखा है ना, मतलब ऑल 20 ओवर्स समझना. 20 ओवर्स जो लिखा है ना ऊपर, उसको ऑल 20 ओवर्स समझना. ओके चलो ट्राई करो. इसका भी आंसर है चैट बॉक्स में लिख देना. परम सही है आंसर. मानव गलत है, मुस्कान गलत है. विश्व सही है. श्रीजा सही है. ईशा गलत है. नित्या सही है. सौम्या सही है.
सौम्य चलो मैं करवाता हूँ। अभिषेक सही है मानो। यस सर। ओके चलो फर्स्ट लाइन पढ़ो क्या है। A team has to score with a run rate of 8.25 in all 20 overs to win the match। हाँ अब all 20 overs है मतलब तेरे को जो दिया हुआ है वो x bar c है 8.20 बराबर। ओ ओके हाँ अब आगे आगे नहीं नहीं तू पढ़ेगा मैं करवा रहा हूँ तो फिर आगे। The run rate at the end of 12 overs is 7.25। तो n1 is equal to 12 और x bar 1 is equal to 7.25 बराबर। ये तो सबको पता चल गया कि ये n1 है। या गलत किया होगा तो आपका पूरा आंसर गलत आएगा। चलो आगे फिर। What should be the least run rate to win the remaining over? हाँ अब टोटल ओवर्स कितनी है मानो 20 उसमें से 12 का ये है तो रिमेनिंग कितनी बची 8 तो x bar 2 फाइंड करना है। क्लियर यस सर। पलक आप एक बार चेक कर लो मैंने बोर्ड पे जो लिखा है वो आपने वही सेम किया है। फिर ऐशा यस सर आपने गलती की है देख लो आपने पूरा गलत किया। सर आई टेकन x1 इज इक्वल टू 7.25 करेक्ट 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 इसीलिए पता चला मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन है अभी भी मुस्कान नहीं सर आ गया। हाँ आपका तो आ गया सर। ईशा क्लियर दिव्या माइक ऑन करो। यस सर आपने यही किया है। यस सर तो आंसर गलत आ रहा है। अगर यही किया हो तो आंसर गलत है। x bar c इज इक्वल टू n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 upon n1 plus n2। x bar c क्या है 8.25 n1 12 into 7.25 plus 8 x bar 2 upon 12 plus 8। अब 8.25 is equal to 7 into 12 into 7.25 is 87 प्लस 8x बार 2 अपॉन 20। अब 20 को अपोजिट साइड मल्टीप्लाई करो 165 87 प्लस 8x बार 2 8x बार 2 इज इक्वल टू 165 माइनस 87 78 तो x बार 2 इज इक्वल टू 78 अपॉन 8 तो x bar 2 is equal to 9.75। करेक्ट आंसर इज 9.75। कुछ लोगों का गलत आ रहा है दिव्य का गलत है कुछ नाम नहीं मतलब एक दो जन तीन चार लोग का है वो एक बार चेक कर लो पूरा का पूरा सम मैंने बोर्ड पे किया है। आज होमवर्क कुछ नहीं है ठीक है खुशी के मारे पार्टी मत करना आज होमवर्क नहीं है कोई बात नहीं। अभी जिसको डाउट हो या पता नहीं चला वो रहो वन